पूजा कंवर कहती हैं, सर आई फील सम मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन माई पाम्स एंड फील अ लिटिल मोर इन द राइट पाम, समथिंग वार्म, इज दिस राइट, इज दिस एक्चुअली रेकी हीलिंग एनर्जी? बिल्कुल ठीक बात है। देखिए रेकी हीलिंग एनर्जी को इसको नाम दे दिया, कल को हो सकता है 2000 साल बाद इसे कोई किसी और नाम से संबोधित करे, हो सकता है कि 50 साल पहले इसको कोई और किसी नाम से संबोधित करता। कहने का मतलब ये है कि आपके हाथ में पाम चक्र है और वो पाम चक्र जब आप हाथ को ऐसे पास लाते हैं तो एक दूसरे के साथ उसका ऑरा टकराता है और ये फीलिंग अगर आपको हो जाती है तो ये सबसे अच्छी बात है, यानी आपका हाथ इसके लिए सेंसिटिव हो रहा है। अब आपके हाथ की ऊर्जा को एक सभ्यता हो सकती है रेकी कहती है, दूसरी सभ्यता जब इसी को पढ़ेगी तो कुछ और भी कह सकती है, इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि कौन इसको क्या कहता है, लेकिन इससे फर्क पड़ता है कि आपको ये एनर्जी महसूस होती है। और जी हाँ, इसी एनर्जी को धीरे धीरे बढ़ाना है और इसी सेंसिटिविटी को कि हाथ को समझ में आ जाए कि यहाँ ऊर्जा है, ये बढ़ाना है और जैसे जैसे ये बढ़ेगी वैसे वैसे आप उतनी ही तेजी से एक सक्सेसफुल रेकी हीलर बन जाएंगे। तो आप बिल्कुल ठीक पथ पे हैं, बिल्कुल ना घबराएं, ये रेकी ऊर्जा ही है जो आपको हाथ में फील होती है।